चलो हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर पाने के लिए साथ में बेल आइकन दबाएं और हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम बताते चलें कि एक घटना आज सुबह हमारे रवसा कस्बा में तंबोर रोड पे जो है प्रेमा नगर मोहल्ले में घटी, शुक्ला मार्केट में। आप रवसा कस्बे में आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन कुत्तों का आतंक जारी है, जहां पे अभी जो है इसके पहले अखबार की सुर्खियों माध्यम से खैराबाद का नज़ारा आप लोगों ने अखबार की सुर्खियों में देखा, वही नज़ारा आज कुछ दिन बाद हमारे रवसा में देखा जा रहा है। क्योंकि अनवरत कुत्तों के झुंड जो है तंबोर रोड पर प्रेमा नगर मोहल्ले में शुक्ला मार्केट में हावी है। सुबह कोई पैदल नहीं निकल सकता है, अकेला नहीं निकल सकता है, मगर साथ में 10-5 आदमी हुए जो है नहीं निकल सकता है, राहगीरों को दौड़ा लेते हैं। अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अभी परसों जो है एक रविवार को जो है बंदर को नोच नोच कर मार डाला कुत्तों के झुंड ने, और दूसरी घटना आज सुबह जो है मंगलवार को 20 नवंबर 2018 की सुबह जो है एक कुत्तों के 10-12 झुंड ने जो है गाय के बछड़े को जो है दौड़ा दौड़ा कर नोच डाला, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। जिस पे जो है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर माने तो जो आम चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है कि यहाँ पे अगर अधिकारियों की इस पर नज़र नहीं पड़ी तो वो दिन दूर नहीं होंगे जो खैराबाद का नज़ारा आप लोगों ने देखा था। आए दिन अनवरत जो है कुत्तों का झुंड हावी है, लोगों को दौड़ा लिया जाता है कुत्तों द्वारा, और अकेले जाना लोगों को सुबह शाम बच्चों को और बहुओं को जो है निकलना दूभर है तंबोर रोड पे। और उसका कारण है प्रत्यक्षदर्शियों का बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो एक मुर्गी फार्म की वजह से जो है उन कुत्तों का झुंड हावी है, और जिंदा लोगों पे जो है जानवर हो चाहे मनुष्य हो सभी को दौड़ा देते हैं, और अनवरत एक बंदर को निवाला बना डाला, उसके बाद उसकी मौत हो गई। आज सुबह एक गाय के बछड़े को निवाला बना डाला। यहाँ पे अनवरत एक चर्चा का विषय बन रहा है कि कुत्तों का झुंड हर आदमी की दबी जुबान से और आम चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है कि अगर अधिकारियों द्वारा इस पर विराम नहीं लगाया गया, इस पर नज़र नहीं डाली गई, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब एक बड़ी घटना हो जाएगी और दूसरी अधिकारियों का जो है विराम नहीं लगाया गया तो ये कुत्तों का झुंड आए दिन जो है अनवरत जो है लोगों पर हावी है और बराबर जो है उन पर हमला हो रहे हैं। गाय के बछड़े को आज सुबह जो है बुरी तरीके से नोच दिया, जिसको प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा धीरज रस्तोगी और धीरू भाई के द्वारा, इन बापू इंटरप्राइजेज के दुकान पर कार्यरत है ये, इनके द्वारा रवसा पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसकी डॉक्टरों ने बताया कि नाजुक हालत है। आप वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आप देख सकते हैं। पल खबरों के साथ मैं प्रेम वाजपेयी, पत्रकार रवसा सीतापुर। कुत्तों का झुंड इस कदर से यहाँ रवसा में हावी है कि आदमी के और जानवरों पर जो है आए दिन हमला कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, एक गाय के बछड़े को इतना बुरी तरीके से नोचा है, नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया। और यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप कितनी दयनीय स्थिति है, इसको कुत्तों के झुंड ने नोचा है। और अभी एक दिन पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि अभी एक बानर को जो है जान ले ली, बानर को नोच नोच कर मार डाला, और इन पर कोई विराम लगाने वाला नहीं। और यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस बछड़े की जान बचाई है, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस बछड़े को कुत्तों के झुंड ने हमला करके नोचा है। आज सुबह की घटना है ये तंबोर रोड पर घटना घटी है, और कुत्तों का झुंड इस प्रकार से हावी है कि आदमी और जानवर लोगों का रास्ता निकलना दुश्वार है। आप लोग देख सकते हैं धीरज रस्तोगी जी मौजूद हैं, इसकी जान बचाई है। यहाँ पे ये बापू इंटरप्राइजेज शॉप पे काम करते हैं, और यहाँ पे इसको इस सुबह जो है कुत्ते नोच रहे थे, उनसे मैं जानकारी लूँगा ये बच्चा कैसे घायल हुआ है, क्या स्थिति रही, इन्होंने जान बचाई है। हाँ बताएं जी, ये बच्चा कैसे घायल हुआ है? ये रोड की साइड में जो जंगल है वहाँ पर इसको कुत्ते नोच रहे थे। कुत्तों का झुंड था? हाँ, 10-12 कुत्ते थे। अच्छा, तो लड़के ने आके बताया, कहा कि उसको कुत्ते नोच रहे हैं, वहाँ पे जानवर है, बच्चा है कोई, तो यहाँ से गए तो कुत्तों को भगा के उसको यहाँ लेके आए। फिर अभी हम अस्पताल भी गए थे, चिकित्सालय गए थे, वहाँ हमने कहा था कि इसके इलाज के लिए छूट भेज दीजिए। वहाँ इलाज इसको मिला नहीं? बताया कि अभी हम भेजेंगे 10-15 मिनट में इसको ड्रेसिंग करने के लिए। मतलब ये धीरे रस्तोगी जी हैं, और इसके पहले भी सुना है कुत्तों का झुंड जो है यहाँ पे हावी है इस रोड पे लोगों का, और ये कभी एक हादसा घटा था कोई? एक ये बंदर कोई कुत्तों ने नोचा था यहाँ पे कुछ दिन पहले।
ये दूसरी घटना है यहाँ पे, इनका लोग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुत्तों का झुंड हावी है। और ये तंबौर रोड का नज़ारा है, आप लोग जो देखे ये घटना, ये बछड़ा जो है इसको जगह जगह पूरे शरीर को नोच करके लहूलुहान कर दिया है। और इसकी सबसे मानवता तो यहाँ पे धीरज रस्तोगी और उनके इंटर बापू प्राइजेज के जो संरक्षक हैं दुकान के, उन लोगों ने दिखाई कि इसको को 10-12 कुत्तों का झुंड था, जहाँ पे उसको दौड़ करके किसी प्रकार से उसकी जान बचाई और उसको अपनी दुकान पे ला करके उसके बाद रेवसा सीसी पशु अस्पताल भी ले गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करने की भी बात की है। लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है इसकी जो है। यहाँ पे आप देखिए मुंह पर कितने तरीके से, और यहाँ पे लोग एक जो गुपचुप तरीके से बात उभर के आ रही कि यहाँ पे जो मुर्गी फार्म के जो है फार्म बने हुए हैं, क्योंकि इस वजह से जो है यहाँ पे कुत्तों का झुंड उसी पड़ोस का मामला है, क्योंकि वहीं पर जो है कुत्तों को जो है मांस जब न मिलता है तो ये मनुष्य और जानवरों पर हमला करते हैं। यहाँ पे मुर्गी फार्म है, उसी पड़ोस का मामला है। ये घटना जो घटी है ये मुर्गी फार्म के पास है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बछड़े को नोचा है, बुरी तरीके से नोच नोच कर जख्मी कर दिया है। कई जगह उस पर बछड़े की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, दयनीय स्थिति है, और इसको समुचित अगर इलाज नहीं मिल पाएगा तो मर भी जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब यहाँ पहुँच चुके हैं पशु अस्पताल के देखने के लिए, और बहुत अच्छी मानवता यहाँ की जो देखने को मिली। लेकिन कुत्तों का झुंड इस प्रकार से हावी है जो है, पड़ोस का ही मामला है, वहाँ पे लोग बैठे थे तो उनको क्या, दूसरा पेट में उधर अच्छा बहुत जख्म है, जब उधर पर हम आस खा खाना पर यहाँ तो ये है किनारे से ही मुर्गी फार्म हुआ लगा दी रोड पर यहाँ बताओ, ये कुत्ता सब हुए भागकर चले जाते हैं, छोटे तो इसे नोट देखिए साले लीटर कुत्ते तो बहुत ये चीज़ है, यहाँ खून निकल रहा है, खड़ा करें चलो रुक जाओ इधर स्टाफ पे डॉक्टर साहब यहाँ हमारे मौजूद हैं, हम थोड़ी उनसे बात करेंगे कि कैसे जानकारी मिली, कैसे क्या जो है मौजूद हैं, बताएं डॉक्टर साहब इस बछड़े के हालात क्या हैं। हालात तो किसी जानवर ने इसको नोचा है, और हमारे पास रस्तोगी जी गए थे अभी, अच्छा चिकित्सालय पे जी, इन्होंने सूचना दी जी, फिर हम अपना स्टाफ लेकर इसकी इलाज हेतु आ गए। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश सिंह कश्यप नाम है। कैलाश सिंह कश्यप हैं, पशु अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, जो इनके द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है इस बछड़े का, और इनको धीरज रस्तोगी द्वारा जो है सूचना मिली, और इसके हालात नाजुक बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसको कुत्तों ने नोचा है इनका ये भी कहना है।